गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, आरके स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण। इसमें कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने ये चैप्टर लिया हुआ है। सो इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, सो फॉर्मूला जानेंगे इसमें, इसके बाद फिर हम लोग इस पर सवाल करेंगे। इसलिए उसमें कुछ इनके गुण हैं, उनके प्रॉपर्टी हैं, सो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसका जो फार्मूला है वो लिखते हैं। ये फार्मूला डाल लीजिएगा। ठीक है, यदि दी गई अवकल समीकरण, मैंने अर्थात यदि अवकल समीकरण दिया है, जैसे dNy/dxN, ठीक है, प्लस dx के पावर n प्लस डॉट डॉट इसी तरह हो, ठीक है, ANy तक इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे बदलते हैं, इसे हम लोग डी के रूप में, कैपिटल डी के रूप में बदलते हैं, जैसे dN+dN-1+dN-2 इस तरह करते चले जाते हैं। ठीक है, वाई डॉट डॉट यहाँ पे कर सकते हैं, डॉट डॉट प्लस करके डॉट डॉट, या जहाँ तक हो a^n, ठीक है, ये जहाँ तक हो वहाँ तक कर सकते हैं। ठीक, इक्वल टू 0। इसको हम लोग डी के रूप में चेंज करते हैं, ये पावर में रहता है तो अभी हम बताएंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यन क्या है, 1, 2, 3, 4, ये यन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 होगा, जहाँ पे यहाँ से लिख सकते हैं कि जहाँ एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऐसे होगा। ठीक है, तो इसके फिर हम लोग सहायक समीकरण लिखते हैं, सहायक समीकरण, क्योंकि हम लोग को CF निकालना होता है, वो क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सहायक समीकरण इसका जो बनता है वो m^n+mn-1+m^n-2 इसी तरह। ठीक है, डॉट डॉट जो भी हो, a^n=0। इसके बाद इसे हल करते हैं। ठीक है, तो जो मान उसके आते हैं, जो इसके मान आएंगे उस पे हम लोग उस हिसाब से उसका प्रॉपर्टी लगाया जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग लिखेंगे। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, अवकल समीकरण इतना दिया रहेगा। ठीक है, तो उसको डी के रूप में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, परिवर्तन करने के बाद फिर हम लोग एक सहायक समीकरण लगाएंगे, जो सहायक समीकरण उसके मान को निकालेंगे। ठीक है, सहायक समीकरण को हल करके उसके मान को निकालेंगे, जो m का वैल्यू आएगा वो कैसे रखना है वो आपको प्रॉपर्टी से पता चलेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ऐसे प्रॉपर्टी लिखेंगे, दो साइड कर सकते हैं, एक लिख लेते हैं मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, और दूसरा तरफ लिख देते हैं पूरक फलन। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसके जिस हिसाब से मूल आएंगे उस हिसाब से यहाँ पे उसके फलन को लिखना होगा। ठीक है, फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि पहला केस फर्स्ट में देखेंगे कि यदि ली दिया हो, यदि सभी मूल भिन्न हैं, यदि सभी मूल भिन्न हैं, ठीक है, भिन्न का मतलब कि m का जो मान आएगा, यदि m का मान जहाँ यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जहाँ m का जो मान होगा वो कुछ भी आ सकता है, वो अलग अलग आए, ठीक है, अलग अलग आए, जैसे कि मान लीजिए अगर 1 आ गया, 2 आ गया, -3 आ गया, 4, इस तरह के यदि मान आए उसका, तो हम लोग वहाँ पे लिखते हैं CF,
जो उसका पूरक फलन होगा सी एफ इजक्वल टू, ये संपूर्ण हल है ठीक है, सी एफ इजक्वल टू सी वन ई के पावर ठीक है, ई के पावर एम वन एक्स ठीक है, प्लस सी टू ई के पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई के पावर ठीक है एम थ्री एक्स ठीक है डॉट डॉट डॉट, ये आपका प्लस सी एन ई के पावर एम ठीक है एम एन एक्स ठीक है, यहाँ तक इसका होगा, ये केस आपका फर्स्ट में है ठीक है। ये इसी तरह हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, सी एफ इजक्वल टू सी वन ई के पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई के पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई के पावर एम थ्री एक्स, इसी तरह डाटा डी एन तक हो जाएगा ठीक है। उसके जितने मान होंगे वो वहाँ पे एम वन एम टू एम थ्री के जगह पे रखे जाएंगे ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केस सेकेंड में, दो मूल समान हो, यहाँ पे यदि दो मूल समान हो ठीक है, यदि दो मूल समान है जैसे कि एम वन इक्वल टू एम टू, माने दोनों मूल समान आ गए माने एक जैसे हो गए, तो उसके लिए सी एफ जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे सी वन प्लस सी टू एक्स ठीक है ई के पावर एम वन एक्स प्लस ठीक है सी थ्री ई के पावर एम थ्री एक्स ठीक प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका ही अंतक हो जाएगा ठीक है। इसी तरह हम लोग लिखेंगे सेकेंड केस में, यदि दोनों मूल क्या हो समान हो ठीक है। ये आपका केस सेकेंड था, अब केस थर्ड देखेंगे। थर्ड में देखेंगे यदि तीन मूल समान हो, यदि यहाँ पे दो मूल था, यदि तीन मूल ठीक है समान हो ठीक है, जैसे कि m1 वन इजक्वल टू एम टू इजक्वल टू एम थ्री। अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जब सवाल लगेगा तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे ठीक है। जब तीन मूल समान हो तो उसके लिए आपका जो सी एफ निकलेगा ठीक है वो एक साथ होगा सी वन धन सी टू का x प्लस सी थ्री का x का होल स्क्वायर e के पावर m1 x ठीक है प्लस सी फोर e के पावर x ठीक है प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसी तरह n तक हो जाएगा ठीक। यदि तीन मूल समान हो तो m1 m2 m3 इस तरह दिया हो तो इसका सी एफ जो होगा सी वन धन सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स का होल स्क्वायर ई के पावर एम वन एक्स प्लस सी फोर ठीक है ई एम फोर एक्स प्लस, इस तरह डॉट डॉट ई अंतक हो जाएगा ठीक है। अब केस फोर्थ देखते हैं ठीक है। केस फोर्थ है यदि मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक आ गए ठीक है, मूल काल्पनिक हैं जैसे कि एम वन इजक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा ठीक है एम टू इजक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा ठीक है, ये यदि काल्पनिक आ गए तब इसके लिए हम लोग जो सी एफ रखेंगे ठीक है, इसके लिए जो हम लोग सी एफ रखेंगे वो ई ए के पावर एक्स सी वन कॉश बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स ठीक है सी बी साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे एक्स होगा ठीक है। या फिर इसे हम और लिख सकते हैं आर करके सी वन ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी टू, ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं चाहे ये भी लिख सकते हैं ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। एक और लास्ट है, लास्ट देखेंगे पांचवा है, पांचवा देखिएगा कि जब मूल अपरिमेय हो, जब मूल अपरिमेय है जैसे कि एम वन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी ठीक है, तब इसके लिए जो ये आपका जो सी एफ होगा वो ई के पावर ए अक्ष ठीक है सी एम वन कॉस। आज के लिए इतना ही ठीक है, धन्यवाद। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे लेक्चर टू में वो पीआई कैसे निकाला जाता है उसको पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग सवाल लगाएंगे ठीक है, धन्यवाद।
आशीर्वाद से ठोकी दबा के लाइक और शेयर। क्वेश्चन कहता ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।